देते हैं कि अब ये क्या कहता है कि भाई कॉलम की पैकिंग में इसने क्या किया, इसने तीन तरीके के कॉलम लिए है ना, कौन कौन से लिए थे, माइक्रोपोरस जिसका साइज़ कितना था, जिसका साइज़ था आपका 1 से लेके 5 माइक्रोमीटर है ना, फिर इसने उससे थोड़ा सा बड़ा लिया था जिसे पेलिक्यूलर कह रहा था जिसमें उसका साइज था कितना 40 माइक्रोमीटर, फिर उसने और बड़ा ले लिया ग्रेटर देन 40 माइक्रोमीटर, पर ये इसमें इसने क्या लिया, ये इसने बॉन्डेड फेस ले लिया, यानी ऐसा इसने कंपाउंड ले लिया, सबस्ट्रेट का ले लिया जो कि आपस में केमिकली बॉन्डेड है, जो कि इजीली एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकता है ना। तो अब हम आते हैं कि भाई अब ये जो हमने यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया, अब इस पूरे में ये कहना क्या चाहता है, ये कहता है कि भाई आपका ये जो कॉलम है, इस कॉलम को हमने जितना भी कॉलम लिया है जो कि स्टेनलेस स्टील का या ग्लास का बना हुआ, अगर स्टेनलेस स्टील या ग्लास का बना है, इसे अब आप कॉलम में पैकिंग कैसे करोगे, क्या करें, ऐसा तो नहीं है कि डिब्बे की तरह खुल जाएगा कि भाई ये हिस्सा हमने यहाँ पे जिप लगा दी और इसको खोला और अंदर डाल दिया पैक करके, ऐसा तो नहीं होगा, कहीं ना कहीं से हमें एक तो इसका इनलेट लेना पड़ेगा ठीक है, और वो इनलेट हमें प्रेशराइज करके या हमें इस तरीके से फिल करना पड़ेगा इनलेट के थ्रू कि ये आपका क्या करे, मैक्सिमम सरफेस एरिया कवर कर ले ठीक है, ऐसा ना हो कि इसमें बीच बीच में कहीं होल्स रह जाए ठीक है, या ऐसा ना हो कि आधा इधर से हमने भर दिया और ये आधा खाली थोड़ा खाली रह गया, फिर कहीं इधर से हमने भर दिया, यानी एयर स्पेसिस जो है, एयर स्पेसिस इसमें क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, तभी जाके आपका ये जो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस है, ये एड्सॉर्प्शन आपका फुलफिल होगा ठीक है। तो अब इसको पूरा करने के लिए करता क्या है देखते हैं, अब ये जब कॉलम पैकिंग करेगा बच्चों, तो कॉलम पैकिंग में क्या कहता है कि आजकल के जो कॉलम है वो ज़्यादातर कमर्शियल कंपनीज पैकिंग करके देती हैं ठीक है, और उस पैकिंग मटेरियल पे उनका जो स्ट्रक्चर है और उनका जो डायमेंशन है, यानी क्या फिल किया है और कितना उसका डायमेंशन है, वो सब उसके ऊपर आपको लिख के देती है। पर ये क्या होता है कि ज़्यादातर अब होता क्या है कि अगर कंपनी फिल करके देती है तो वो थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ता है, तो क्योंकि हम इंडियंस थोड़े से जुगाड़ू भी होते हैं तो हम सोचते हैं कि यार उसको हम 10 रुपये एक्स्ट्रा देंगे तो हम क्या करें, हम वो 10 रुपये हमारी मेहनत के हम चार्ज नहीं करते है ना, हम क्या करते हैं, हम अपने आप ही कोशिश करते हैं कि यार हम ही कॉलम को फिल कर लें। तो ये भी यहाँ यही करेगा, ये क्या है कि सेवरल मेथड्स आर अवेलेबल फॉर पैकिंग कॉलम एंड द मेथड यूज विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द पैकिंग मटीरियल एंड द डायमेंशन ऑफ द पार्टिकल। तो अब आपका दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, एक तो आपने क्या पैकिंग मटेरियल चूज़ किया है और क्या उसका डायमेंशन है। प्रायोरिटी किसको देगा, टू ऑब्टेन अ यूनिफॉर्म बेड ऑफ मटेरियल, यूनिफॉर्म बेड ऑफ मटेरियल जो मैंने अभी कहा था कि उसमें कहीं छेद ना हो, कहीं क्रैक्स ना हो, एयर स्पेस मिनिमम हो, ऐसा ना हो कि कहीं तो बहुत ज़्यादा आपने टाइट कर दिया, कहीं बहुत ज़्यादा लूज है ना। रिजिड सॉलिड्स एंड हार्ड जेल शुड बी पैक्ड एज डेंसली एज पॉसिबल बट विदाउट फ्रैक्चरिंग द पार्टिकल्स ड्यूरिंग द पैकिंग प्रोसेस। तो ये इसका कहने का मतलब ये है कि ये यूज़ क्या करें, कैसे करें। तो पहला टर्म जो मैंने हाईलाइट किया है वो है हाई प्रेशर स्लरिंग टेक्निक। हाई प्रेशर यानी अच्छे हाई अमाउंट के प्रेशर पे स्लरी, स्लरी देखिए ना, जैसे जब वो घर बन रहे होते हैं तो ये क्या करते हैं, जैसे सीमेंट का वो करते हैं और फिर उसको पानी उसको वैसा कर देते हैं ना, उसका स्लाइम सा कर देते हैं ठीक है। बच्चों एक सेकेंड, मटेरियल में आवाज आ रही है ना बच्चों? यस मैम। एक्चुअली वो फोन के पीछे वो कट जाता है ना, पूरा नेटवर्क गायब हो जाता है। तो अब क्या हुआ कि हाई प्रेशर पे स्लरी होता है, स्लरी को आप ऐसे समझ लो जैसे डामर देखिए सबने जब रोड बनते हैं है ना, कैसी होती है, सेमी सॉलिड टाइप होती है, उसे हम स्लरी नाम देते हैं। तो अगर ये स्लरी आप डाल रहे हो, स्लरी फॉर्म में डाल रहे हो, तो आपकी ये स्लरी जो है वो क्या करेगी, कॉलम कैसा है आपका, कॉलम आप स्ट्रेट कॉलम ले रहे हो, इस HPLC में तो हम स्ट्रेट ही कॉलम लेते हैं, आपने एक एंड से डाला और वो क्या करेगी, दूसरे एंड से निकल लेगी है ना। यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे हमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई एक तो स्लरी की स्पीड नीचे जाने की कम होगी, दूसरा ये स्लरी क्योंकि हम इसके अंदर फिलिंग कर रहे हैं तो स्लरी हमारे पास सेमी सॉलिड में भी कौन सा पोर्शन उसका ज़्यादा होना चाहिए, थोड़ा सा सॉलिडिटी उसकी ज़्यादा होनी चाहिए।
तो हम क्या करें, हम हाई प्रेशर लगा के इस सेमी सॉलिड, या हम ये कहें कि भाई 90% जो सॉलिड मटेरियल है, जिसमें कि सिर्फ 10% उसका लिक्विड मटेरियल है, तो वो क्या करेगा, उसको जब हम इस चैनल के थ्रू भेजेंगे, उस चैनल के थ्रू वो आगे जाएगा। पर स्पीड हमें मेंटेन करनी है बाय अप्लाइंग दिस प्रेशर, ठीक है। सस्पेंशन ऑफ पैकिंग इज मेड इन अ सॉल्वेंट ऑफ इक्वल डेंसिटी टू द पैकिंग मटेरियल। तो ये क्या करता है, जैसे आपका आप जैसे चॉक ले लो, है ना, चॉक पाउडर है, पाउडर को आप क्या करोगे, आप इसको थोड़ा 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 करके आप उसको क्या करोगे, स्लरी में कन्वर्ट करोगे, पानी डाल डाल के, और उसका हम क्या करें, उस तरीके का हम पैकिंग मटेरियल रेडी रखें कि हमें कितना क्वांटिटी स्लरी की चाहिए। स्लरी इज देन रैपिडली पम्प्ड एट हाई प्रेशर ऑन टू अ कॉलम विद अ पोरस प्लग एट इट्स आउटलेट। तो आप क्या करें, फटाफट से स्लरी उसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि अगर नहीं डालेंगे तो क्या होगा, एयर वापस से उस सॉल्वेंट को क्या कर देगी, ड्राई कर देगी, ठीक है। रिजल्टिंग बेड ऑफ द पैक्ड मटेरियल विद इन द कॉलम कैन देन बी प्रिपेयर्ड फॉर यूज बाय रनिंग द डेवलपिंग सॉल्वेंट थ्रू द कॉलम। तो आपके पास जो पैक्ड मटेरियल है उसका क्या हुआ, इट इज पासिंग थ्रू द कॉलम, ठीक है। फिर ये क्या कहता है, इट कैन देन बी प्रिपेयर्ड फॉर यूज बाय रनिंग द डेवलपिंग सॉल्वेंट। आपने क्या किया, पहले तो फटाफट से उसको डाल दिया, और फिर हमने क्या किया, इस पूरे हमने पहले तो क्या किया कि हमारे इसमें जो सॉल्वेंट है और स्लरी है दोनों का हमने एक पर्टिकुलर रेशो लेके, मतलब जो भी आपका पैकिंग मटेरियल है सॉरी, उसको हमने स्लरी फॉर्म में लिया और हमने इसमें डाल दिया, ठीक है। वो क्या होगा, वो ऐसा 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 कहीं बढ़ जाएगा। अब क्या करें, अब धीरे धीरे हम इसमें क्या करें, सॉल्वेंट डालें। सॉल्वेंट डाल क्यों रहे, सॉल्वेंट हमें सिर्फ ऐसे ही डालना है कि भाई ये जो आपका जो मटेरियल है ये एक यूनिफॉर्म लेयर सा बना ले, ऐसा ना हो कि भाई आपका ये जो है कहीं से ज़्यादा मोटा हो गया, कहीं से ज़्यादा पतला हो गया। तो सॉल्वेंट जब आप इसमें धीरे धीरे करके डालोगे तो वो क्या करेगा, वो इसको एक यूनिफॉर्म बेड में, एक यूनिफॉर्म लेयर में कन्वर्ट कर देगा। आई बच्चे मत समझो, ठीक है। अब ये क्या कहता है, अब ये क्या कहता है कि जब इस पैकिंग मटेरियल को हमने डाल दिया, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, जब हार्ड जेल्स हम यूज़ कर रहे हैं, जेल तो सबको पता है, जेल तो सबने देखी है, ठीक है, बाहर सॉलिड सा होता है और उसके अंदर क्या होता है, अंदर लिक्विड होता है। तो ये जो जब जेल मटेरियल आप यूज़ करोगे और हार्ड वाली जेल यूज़ करोगे, इट इज़ नेसेसरी फॉर देम टू बी अलाउड टू स्वेल फर्स्ट इन द सॉल्वेंट। तो आपने देखा होगा कई बार ऐसा, बच्चों की छोटी छोटी गोलियाँ आती हैं जिसमें बच्चे क्या करते हैं, उसको पानी में डाल देते हैं, वो गोलियाँ थोड़ी देर में क्या होती है, पूरी फूल जाती है। तो उसी तरीके का मटेरियल मान लो इसको, कि जब आपने इसको पैकिंग कॉलम में डाल दिया और फिर धीरे धीरे सॉल्वेंट डाल रहे हो, तो वो क्या हो रहा है, वो मटेरियल फूल रहा है और स्वेलन अप हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सॉफ्ट जेल जब है, इट कैन नॉट बी पैक्ड अंडर प्रेशर एंड हैव टू बी अलाउड टू पैक फ्रॉम अ स्लरी इन द कॉलम। सॉफ्ट जेल यानी ईजिली मूव करने वाली, जिसमें थोड़ा लिक्विड पोर्शन ज़्यादा होता है ना, तो वो क्या करेगा, वो आराम से कॉलम में अंदर चला जाएगा डिपेंडिंग ऑन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है बच्चे, यहाँ तक समझ आया। नेक्स्ट आता है आपका क्रोमेटोग्राफी सॉल्वेंट। क्रोमेटोग्राफी सॉल्वेंट यानी आपका मोबाइल फेज, है ना। अब सॉल्वेंट जब आप डालोगे, मोबाइल फेज जब आप डालोगे, तो वो आपका मोबाइल फेज सबसे पहले तो चॉइस करना बहुत ज़रूरी है। चॉइस क्यों करोगे, क्योंकि ऐसे कुछ भी उठा के हम नहीं डाल सकते, वी आर वर्किंग ऑन एन इंस्ट्रूमेंट, है ना। तो उस सेपरेशन जो आप चॉइस करोगे, इट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द सेपरेशन दैट इज टू बी डन। आइसोक्रेटिक सेपरेशन मे बी मेड विद अ सिंगल सॉल्वेंट। आइसोक्रेटिक यानी कि आपके पास ये क्या है, जैसे क्रेट टाइप नहीं होते, जैसे वो देखिए अपने पेप्सी कोला जिनमें आती है, वो रैक्स टाइप छोटे छोटे ऐसे बास्केट सी आती हैं, एक के ऊपर एक रखी रहती हैं, है ना, इनमें बॉटल रखी रहती है, ये क्या होते हैं आपके क्रेट्स होते हैं। तो अगर हम इसको कंपेयर करें हमारे कॉलम से, तो कॉलम में भी तो क्या हो रहा है, ये जो बैंड्स बन रहे हैं, हम इनको क्रेट भी तो बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या कर रही है, एक के नीचे एक ही तो बन रहे हैं बैंड्स। तो आपके पास क्या हो रहा है कि हम जब इसकी बात करते हैं, तो वो यही कहता है कि
आइसोक्रेटिक यानी सिमिलर टाइप के सेपरेशन अगर हो रहा है तो उसमें आप एक ही सॉल्वेंट से काम चला सकते हो, है ना। और उस सॉल्वेंट में आप एक या दो आपस में मिक्स करके डाल सकते हो, जो कि जनरल क्रोमेटोग्राफी या पीएलसी में हम करते हैं, है ना। अब क्या कहता है, अ ग्रेडियंट इल्यूशन सिस्टम मे बी यूज व्हेन द कॉम्पोजिशन ऑफ द डेवलपिंग सॉल्वेंट इज कॉन्टिन्यूसली चेंज बाय द यूज ऑफ सूटेबल ग्रेडियंट प्रोग्रामर। अब कहने का पर्पज़ क्या है इसका, ये कहता है कि भाई मैंने एक सॉल्वेंट डाल दिया, है ना। अब एक सॉल्वेंट मैंने डाल दिया, या तो मैं अपना दिमाग लगा लूँ कि उसमें एक मैं इसमें इथेनॉल ले लूँ और एक मैं इसमें आइसोप्रोपेनॉल ले लूँ, या तो दो का मिक्सचर बना के मैंने एक सॉल्वेंट बनाया और मैंने डाल दिया। या फिर ये क्या कहता है, ये फिर कहता है कि भाई अगर मैं ये काम नहीं करता तो मैं ये कर सकता हूँ कि सॉल्वेंट के साथ में मैं एक ग्रेडियंट चेंजर डाल सकता हूँ। ग्रेडियंट चेंजर का मतलब ये है कि आपने क्या किया, आपने अपने सॉल्वेंट की जो एड्सॉर्ब करने की टेंडेंसी है ना, उसको आप क्या कर रहे हो, इस ग्रेडियंट चेंजर के थ्रू क्या कर रहे हो, या तो बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो। यानी सॉल्वेंट आपने एक ही लिया, आपका एक पॉइंट, सपोज ये वाला पॉइंट था, है ना, ये वाला आपका जो बैंड था ये आपने इल्यूट कर लिया पहली बार जब आपने सॉल्वेंट डाला। दूसरी बार जब आप डालोगे तो अब ये सॉल्वेंट तो इसको भी इतना ही कर रहा है, इसको भी इतना ही कर रहा है, तो हम क्या करें, हम उसमें ग्रेडियंट ऐड कर दें। ग्रेडियंट यानी अब ये क्या करेगा, इस सॉल्वेंट के जो एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देगा, और उस मॉडिफाइड में आपका ये वाला जो बैंड है, ये वाला जो बैंड है ये रुक जाएंगे, सिर्फ एक ही बैंड बाहर निकलेगा। फिर आपने क्या किया, फिर थोड़ा सा फिर उसको मॉडिफाई कर दिया, फिर से आपने ग्रेडियंट चेंजर डाला, उसके बाद बैंड नंबर टू जो है वो बाहर आ गया, पहले थर्ड नंबर का बैंड वहीं के वहीं रह गया। तो हर बार हम क्या करें, हमारे सॉल्वेंट की जो एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी है वो चेंज कर दें, और आपके पास क्या हो जाएगा, ये जो बैंड्स है ये अलग अलग आपके पास सेग्रीगेट हो जाएंगे, ठीक है। इन द मेजॉरिटी ऑफ द केसेस दिस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ टू पंप्स। तो ग्रेडियंट चेंजर में क्या करता है, पंप यूज़ करता है, या तो आप क्या करो उसका प्रेशर थोड़ा थोड़ा कभी कम कर दो, कभी ज़्यादा कर दो, कभी मीडियम कर दो, तो उसके हिसाब से आपका जो एलिमेंट है वो काम करेगा, ठीक है, वो आपके सैंपल को बाहर लेकर आएगा, ठीक है बच्चों। अब इस चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आ जाना, गैसिंग द प्रेजेंस ऑफ एयर बबल्स इन द सॉल्वेंट कैन ऑल्टर कॉलम रेजोल्यूशन एंड इंटरफेयर विद द कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग। तो ये तो हमने ये तो हमने पहले भी किया था कि ये क्या करता है कि सॉल्वेंट जो है उसे हम क्या करते हैं, रिजर्वॉयर से जब बाहर निकालते हैं, ले रहे होता है वो आपका, तो वो हम क्या करते हैं, डीगैसिंग करते हैं, क्या डालते हैं, नाइट्रोजन डाल देते हैं या इनर्ट गैस। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि इन केस अगर आप इसमें गैस के एयर बबल्स भी डाल दोगे तो वो क्या करेगा, आपके कॉलम की रेजोल्यूशन को यानी जो उसकी कैपेसिटी है उसको डिस्टर्ब करेगा, जो आपका कॉलम का एफ्लुएंट है उसके फ्लो में डिस्टर्ब करेगा। अब ऐसे ही समझ लो कि जैसे एक स्ट्रॉ है ना, स्ट्रॉ में एक तो सीधा पानी आ जाए और एक आपके स्ट्रॉ में क्या हो, कहीं कहीं पे बबल बन जाए, तो बबल बनेगा तो क्या होगा, आपको जितना उसमें से सिप करना है आप सिप नहीं कर पाओगे, कम क्वांटिटी आएगी। तो वो ही बात है कि बबल के आने से क्या हो जाएगा या गैस के आने से क्या हो जाएगा, आपके सैंपल की जो कैपेसिटी है, जो इंस्ट्रूमेंट की कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है बच्चों। फिर आता है आपका पंपिंग सिस्टम। अब पंपिंग सिस्टम में पहले मैं यहाँ से करा रही हूँ, फिर मैं आपको वो वाला पोर्शन दिखा दूँगी। पंपिंग सिस्टम में आपको क्या चाहिए, क्यों लगाते हैं, सेटिस्फैक्ट्री फ्लो रेट के लिए, है ना। तो पहले कितने तरीके के पंप यूज़ कर रहा है, पहला आता है कॉन्स्टेंट प्रेशर पंप। कॉन्स्टेंट प्रेशर पंप से नाम ही पता है कि वे प्रेशर कॉन्स्टेंट लगाएगा और वो पूरा क्या करेगा, पल्स लेस फ्लो थ्रू द सिस्टम, यानी एक यूनिफॉर्म फ्लो रेट बनी हुई है जिसमें कि आपका जो सैंपल है वो धीरे धीरे करके आपके उस पर एड्सॉर्ब हो रहा है, ठीक है। दूसरा आता है आपका कॉन्स्टेंट डिस्प्लेसमेंट पंप।
बच्चे इसमें इतना ही लिखते हैं जितना मैं आपको अंडरलाइन करवा रही हूँ, या जितना अंडरलाइन है जितना लिख इसमें मैंने मार्क कर रखा है ना, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्स्टेंट डिस्प्लेसमेंट पम्प, कॉन्स्टेंट डिस्प्लेसमेंट पम्प यानी कॉन्स्टेंट फ्लो रेट है ना। कंडीशंस हम अलग अलग चेंज कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट कॉन्स्टेंट हो रहा है, यानी आपका सैंपल कुछ कुछ पल्सेस ले रहा है, यानी वो क्या करेगा हर बार 1 ml सैंपल उसमें आपके कॉलम में इंजेक्ट कर देगा। ठीक है, फिर थोड़ा सा टाइम हुआ, फिर क्या हुआ, फिर 1 ml सैंपल फिर से उसने डाल दिया। तो यहाँ पे ये जो पंप्स है, ये सारे पंप्स क्या हो रहे हैं, इट इज़ अ मोटर ड्रिवन सिरिंज पंप, जिसमें कि एक फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है जो कि पंप के थ्रू पिस्टन के थ्रू चली जाएगी। यानी आपको क्या करना है, ये आपका कॉलम है, जैसे ये आपका कॉलम है, ठीक है, ये इसमें क्या लगा रखी है, सिरिंज लगा रखी है। अब इस सिरिंज में जितना आपने भरा है वो एक बार में क्या होगा, सारा का सारा इस कॉलम में चला जाएगा, फिर सिरिंज ऑटोमेटिकली भर जाएगी। तो इसमें भी ये भी आपका क्या है, पल्स लेस ही है। ठीक है, पल्स पहला वाला जो था जिसमें कांस्टेंट प्रेशर बना हुआ था, वो आपका जैसे सिरिंज यहाँ से खाली होती जा रही है पीछे से बढ़ती जा रही है। तो दोनों में डिफरेंस समझ आया, दोनों ही पल्स लेस है ना। सिरिंज एक तो क्या हो रही है, सिरिंज कंटिन्यूसली भर रही है और नीचे से खाली हो रही है। दूसरे वाले में क्या हो रहा है, सिरिंज पहले पूरी चली गई, उसमें सैंपल पूरा इंजेक्ट कर दिया और फिर क्या हुआ, ये भर गई। तो दोनों में आपके रेट क्या हो रही है, रेट तो दोनों में कॉन्स्टेंट ही रह रही है ना। फिर आता है रेसिप्रोकेटिंग पम्प। रेसिप्रोकेटिंग पम्प में कौन सा हो रहा है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट पम्प का ही एक और टाइप है, जिसमें क्या कहता है कि जो पिस्टन है इट इज़ मूव्ड बाय अ मोटराइज्ड क्रैंक। ठीक है, एंट्री ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम द रिजर्वॉयर टू द पंप चैम्बर एंड एग्जिट ऑफ द सॉल्वेंट टू द कॉलम इज रेगुलेटेड बाय चेक वाल्व। आपने आपको याद होगा कि जब हम वो कर रहे थे जीसी वाला कर रहे थे है ना, जीसी वाले में क्या था, कुछ ऐसा वाल्व टाइप का सिस्टम था है ना। अब इस बाहर वाले सिस्टम में क्या हो रहा था, ये बना तो स्माइली के जैसा है, ठीक है। तो अब इस बाहर वाले सिस्टम में क्या था कि भाई एक तरफ से सैंपल आ रहा था और दूसरी तरफ से सैंपल निकल रहा था। तो ये क्या कह रहा है कि भाई सैंपल यहाँ से कंटिन्यूसली चलता चला जा रहा है ना, और यहाँ से क्या हो रहा है, जितना वो जा सकता है कॉलम में चला जाएगा, जो नहीं जाता है वो यहाँ से आउट होके वापस से आपके किस में चला जाएगा, रिजर्वॉयर में। नहीं बच्चों बात समझिए, यानी इधर ये आपकी सिरिंज है, सिरिंज से सैंपल जा रहा है, जा किस में रहा है, कॉलम में है ना, वाल्व लगा दिया हमने, कॉलम में जा रहा है, जितना चला गया चला गया, जितना रह गया जो नहीं जा पा रहा है या जिसने ट्रैफिक जैम कर दिया, उस ट्रैफिक जैमर को हम क्या ले लेंगे, वापस से रिजर्वॉयर में डाल देंगे और तो फिर वापस से सिरिंज में जा। ठीक है, अब लास्ट आता है आपका इसमें डिटेक्टर सिस्टम। डिटेक्टर डिटेक्टर आप इसमें कौन कौन से लगा सकते हो बच्चों, क्योंकि ये आपका जो बैंड्स है, ठीक है, बैंड आपका जनरली क्या होता है, कलर्ड बैंड बनते हैं, तो कलर्ड बैंड लगाने के लिए या कलरलेस बैंड भी बन सकते हैं कभी कभी। तो ये क्या करता है, ये लगाता क्या है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है, यूवी या विजिबल वाला, फ्लोरीमीटर यानी आपका जो फ्लोरेसेंस है उसको मेजर करने के लिए, फ्लोरेसेंस समझते हो, यानी जब तक सैंपल के ऊपर लाइट आ रही है वो आपका इरेडिएट होता है, जैसे लाइट कट ऑफ होती है सैंपल शाइन करना बंद कर देता है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मॉनिटर, ठीक है, आपके सैंपल की क्वालिटी है उसमें डिपेंड कर रहा है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है। या फिर आपका इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर, इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर हमने जीसी वाले में किया था, जिसमें कि वहाँ से भी आप 2-1 पॉइंट उठा सकते हो, ठीक है, जिसमें कि आपका थर्मल डिटेक्टर भी था और सेंसर भी डिटेक्टर भी था, RS टाइप का डिटेक्टर किया था ना, जिसमें हमने जिसमें आपका एक ही बॉक्स बना था, ठीक है, यहाँ पे R था, यहाँ पे S था, R यानी रेफरेंस की ट्यूब आ रही थी और S वाले पे सैंपल की ट्यूब आ रही थी। जैसे ही ये दोनों अपने अपने इस इलेक्ट्रोड के पास में पहुँचते हैं, इनका टेम्परेचर डिफरेंस होता है और ये क्या करता है, करंट पास ऑन करता है जो हम वोल्टाग्राम से मेजर करते हैं।
लास्ट में आता है आपका प्रैक्टिकल प्रोसीजर। अब प्रैक्टिकल प्रोसीजर में क्या कह रहा है, या तो सिर्फ ये बोलेगा कि सैंपल को एचपीएलसी कॉलम में इसने डाला, ठीक है। द सैंपल ऑट टू बी इंट्रोड्यूस इज इनफाइनाइटली नैरो बैंड। सैंपल जब कॉलम के अंदर गया, धीरे धीरे उसमें बैंड्स बनना स्टार्ट हुए ड्यू टू एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो यही जो दो मेथड है या जो दो स्टेप है, ये हर किसी एचपीएलसी हो चाहे कोई सा भी एलसी हो वो उसमें यूज करेगा, है ना। पहला मेथड जो है कि भाई जिसमें कि सैंपल को डाला जा रहा है तो वो माइक्रो सिरिंज के थ्रू डाल रहा है जो कि हाई प्रेशर पे काम कर रही है, विच स्टेम यानी हाई प्रेशर पे वो स्टेबल हो रही है, काम कर रही है। सैंपल इज इंजेक्टेड थ्रू अ सेप्टम इन एन इंजेक्शन पोर्ट। सैंपल को हमने किसके थ्रू डाल दिया, इंजेक्शन पोर्ट के अंदर हमने डाल दिया, सेप्टम यानी थ्रू वॉल्स या थ्रू छेद, है ना, सेप्टम होता है छेद। इधर डायरेक्टली ऑन टू द कॉलम पैकिंग और ऑन टू अ स्मॉल प्लग ऑफ इनर्ट मटीरियल। तो कॉलम पे सीधा डाल दो या आप उसमें धीरे धीरे करके डालो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दिस कैन बी डन व्हेन द सिस्टम इज अंडर प्रेशर और द पंप मे बी टर्न ऑफ बिफोर इंजेक्शन एंड व्हेन द प्रेशर इज रॉन्ग द इंजेक्शन इज मेड एंड द पंप इज स्विच्ड ऑन अगेन। यानी कहने का मतलब क्या है, स्टॉप फ्लो टेक्निक। स्टॉप फ्लो टेक्निक यानी आपने क्या किया, समझना है इसको। स्टॉप फ्लो टेक्निक जनरल बता रही हूँ मैं आपको कि इसने क्या किया, कि इसको ऐसे समझते हैं स्टॉप फ्लो को। ये क्या करता है, जैसे इसमें सैंपल भरा हुआ है, ये ए है, ठीक है, ये बी है। अब ए और बी को क्या करना है, आपस में रिएक्ट करना। मैं आपको पहले सिंपल स्टॉप फ्लो टेक्निक बता रही हूँ बच्चों, ठीक है। ये आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है। अब जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे कहीं पे जहाँ पे इधर से ए आ रहा है इधर से बी आ रहा है, ये दोनों इस हिस्से में आते आते रिएक्शन करना शुरू कर देंगे। जैसे ही यहाँ पे रिएक्शन शुरू होता है हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन को हम क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप कैसे करते हैं, हम इसके ऊपर रेडियो पल्स डाल दें या एकदम फ्लैश ऑफ लाइट डाल दें, या एकदम हम इस रिएक्शन को क्या करें, यहाँ से हम क्या करें, दोनों के वाल्व सारे वाल्व बंद कर दें, ठीक है। तो अब आगे कोई केमिकल आने का जो बन गया वो इसी में मौजूद है। तो ये वाली जो टेक्निक है, यहाँ पे आपका इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है टू एंटर द सैंपल इनटू द कॉलम, ठीक है। दूसरा तरीका है लूप इंजेक्टर। लूप इंजेक्टर यानी छोटे छोटे मेटल लूप होते हैं। लूप यानी आपको कुछ इस तरीके के लूप्स होते हैं छोटे छोटे, है ना। अब ये जो लूप्स हैं ये आपके मेटल के बने होते हैं और इनमें क्या होता है कि इनके इट कैन बी फिल्ड विद द सैंपल। अब जैसे ही आप क्या करोगे, एक वाल्व के थ्रू एलिमेंट फ्रॉम द पंप इज चैनल्ड थ्रू द लूप। अब ये लूप हमने बीच में लगा दी, यानी कुछ ऐसे समझ लो कि ये आपका चैनल है, ये आप इधर कर दें, ये आपका चैनल है, इधर आपने लूप लगा दी जो कि इसके अंदर डली हुई है, यहाँ से आपने सैंपल को डायरेक्टली ना डाल के इस लूप के थ्रू डाल दिया, ठीक है। द सैंपल इज जस्ट फ्लश्ड ऑन इनटू द कॉलम बाय द एलिमेंट। तो सैंपल क्या जाएगा, एकदम स्पीड में जाएगा और सीधा अंदर पहुँचेगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, जो आपकी सिरिंज है, सिरिंज का ये वाला जो हिस्सा जो है जो स्ट्रेट है, इसको भी आप लूप में बदल सकते हैं, ठीक है। रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ हाईली इम्प्योर सैंपल जैसे सिरा, यूरिन, प्लाज्मा या ब्लड, इन सब के लिए क्या करता है, दे आर प्रिफरेबली डीप्रोटीनेटेड। डीप्रोटीनेटेड जैसे हम इसको करते हैं, यानी जो आपका सैंपल्स है, यानी जो बायो केमिकल सैंपल्स है, दे में इवेंचुअली कॉज द कॉलम टू लूज इट्स रिजॉल्विंग पावर अगर हम उसको डीप्रोटीनेटेड नहीं करेंगे। यानी बात समझो, कहता क्या है कि प्लाज्मा है या ब्लड है, इसमें से हम क्या कर लें, हम सारा इसको प्रोटीन पोर्शन जो है वो सारा हम हटा लें, है ना। प्रोटीन क्या होता है बच्चों, अमीनो एसिड होता है ना। अब आप कहो कि ये अमीनो एसिड में आपके पास क्या होता है, एक तरफ एल्काइल ग्रुप, ठीक है, इधर आएगा NH2 ग्रुप और इधर आएगा COOH ग्रुप। तो ये जो आपका ग्रुप है ये जनरली किस फॉर्म में होता है, ज़िटर आयन फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। तो ये अमीनो एसिड क्या करेगा प्रोटीन का, ये आपके जो एड्सॉर्बेंट है उस एड्सॉर्बेंट में अपनी अलग रिजोल्यूशन देगा,
ठीक है, तो आपका जो पूरा का पूरा सैंपल है वो बाकी सब तो कुछ नहीं वहाँ पे मेजर होगा, उसमें सिर्फ अमीनो एसिड ही हाईलाइट करना शुरू कर देगा। तो सैंपल की बाकी की जो रेजोल्यूशन पावर है या रेजोल्यूशन है वो हमें नहीं मिल पाएगी। तो ये क्या कहता है कि टू प्रिवेंट दिस, अगर इस तरीके का सैंपल आ भी जाए तो हम क्या करते हैं, हम एक गार्ड कॉलम लगाते हैं बिटवीन द इंजेक्शन एंड द एनालिटिकल कॉलम, यानी इंजेक्शन पोर्ट में और एनालिटिकल पोर्ट के बीच में हम क्या लगाते हैं, एक और कॉलम लगाते हैं जो कि क्या करेगा, जो कि सिर्फ अमीनो एसिड को आइडेंटिफाई कर लेगा। तो अब इन केस जब हम मेन सैंपल के ऊपर आएंगे तो मेन सैंपल के बीच में आपका ये गार्ड कॉलम लगा हुआ है, इस गार्ड कॉलम में आपका सारा अमीनो एसिड यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया, बचा हुआ सैंपल इस पास ऑन टू द मेन कॉलम जिससे हम लोग आगे काम करेंगे। आई बच्चों बात समझ में? यस मैम। अभी चलो, अब ये आपका जो कॉलम एफिशिएंसी और जो सेलेक्टिविटी है ये आपका वैसा ही है, जीसी वाला जैसा ही है। तो बच्चे ये मैं कल कराऊंगी आपको, ठीक है, मैं सब ज़्यादा और नहीं बोला जा रहा। जी मैम।